ऐसा नहीं है कि 90% नहीं आया या हम नहीं पढ़ पा रहे तो हम डिप्रेशन में चले जाएं। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एग्जांपल हम देना स्टार्ट करेंगे तो ये कहानी रुकेगी नहीं। जब आपको कोई काम सच में करना होता है ना, सच में कोई काम करना होता है, आपका कोई प्लान होता है ना बहुत स्ट्रांग, आपका कहीं घूमने का दोस्तों के साथ प्लान होता है या आपको घर पे कोई चीज बना रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी आपका होता है ना, तो आप रास्ता बदलते हो, अपना प्लान नहीं चेंज करते। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जब आपने 11th पढ़ी थी तो 11th के टॉपिक आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आ गए थे, लेकिन जब आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो नोट्स रिवाइज करते वक्त उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा, लेकिन ये नेचुरल चीज है। पर मैं आपको फिर बता देता हूँ बेटा, एक बड़े गोल के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, काफी ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, और उनको कई बार ऐसा फील होता है यार 550 रह गए, 500 रह गए, 450 रह गए, क्यों नहीं ये 650 आ रहे। वो जब आप एफिशिएंसी यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगे कि अगर आप बैठे हैं पढ़ने के लिए और प्रॉपरली अगर आप पढ़ रहे हैं तो उतने में ही आराम से जेई का प्रिपरेशन भी हो जाता है, स्कूल की रैंक भी, स्कूल में मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। बस बात यह है कि आपकी कंसंट्रेशन क्या कहती है। जब आपको लगे कि हाँ यार ये टॉपिक यहाँ पे मेरे को पढ़ना चाहिए तो फुल कंसंट्रेशन के साथ देखो 24 घंटा, ठीक है, 24 घंटा आपको मिलेगा और आपके कॉम्पिटिटर को भी मिलेगा हर दिन। स्टार्ट कर लो हेनरी फोर्ड से, 10th पास है जिसके पास कोई फोर्ड की पूरी कंपनी, मतलब बिल गेट्स, आपको पता ही होगा, दिस इज मिलियंस ऑफ एग्जांपल। जब आपको रास्ता ना मिले तो नया रास्ता बनाओ, पर गोल को चेंज ये मत सोचो कि मेरे पास कोचिंग नहीं तो मैं क्वालिफाई नहीं कर सकता, या मैं कोटा नहीं जा पाया तो मैं जेई या नीट में क्वालिफाई नहीं कर सकता। मेरे 2 साल पहले IIT जेई ऑल इंडिया रैंक 1 जो बंदा था पीयूष श्रीवास्तव, वो मेरे सिटी का था, उसने कोई कोचिंग नहीं की थी, ना ही 11th में ना ही 12th में, यानी वो फर्स्ट रैंक ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंकर। अगर आपका गोल सेट है, अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है, अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, तो आप किसी भी रास्ते से अपने पॉइंट पे जरूर पहुंचोगे। लेकिन अगर अभी कर लें तो सोने पर सुहागा है, तो इसलिए किसी भी हालत में हारना नहीं है, डरना नहीं है, खींचना नहीं है, इरिटेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। तो इस प्रेशर से अगर आप इस प्रेशर को झेल लिए तो बस उतने ही निखरोगे। कहते हैं ना, सोने को जितनी आग लगे उतना वह खूब निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वह उतना खूब चमकता है। तो वही वाली बात है, इतना ही आप निखर कर और सामने आओगे और मेहनत करोगे, और जब मेहनत करोगे तो फिर सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए लगे रहिए, हार मत मानिए, पढ़ते रहिए। अब तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा किताब एक ही करना बहुत मुश्किल होता है। रीजन सर, आप 10 किताबें खरीद लोगे, लास्ट तक आते आते आप 10 किताबें फॉलो नहीं कर पाते हो। एक ही किताब को 10 बार पढ़ना ज़्यादा आसान काम है, लेकिन 10 किताबें लेके सेम टॉपिक को अलग अलग जगह पढ़ना सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम। जो हमने साथ में मिलके देखा था सर, जब बैच स्टार्ट हुआ था, मैं बार बार बोलता हूँ बैच के पहले दिन जूस अलग लेवल पे होता है, लेकिन बैच के लास्ट तक आते आते ना उस दिन तक आके अपना जूस मेंटेन करना वो एक बहुत बड़ी बात होती है। बेटा देख, एक चीज़ समझ गया हम पे कि अभी वो प्रोसेस चल रहा है जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते। ऐसा मानना बिल्कुल गलत है कि जिसका 450 आ रहा है वो सिलेक्ट नहीं है। मैं बार बार इस चीज को इसलिए बोल रहा हूँ आप, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार अभी एग्जाम से 2 महीने पहले अगर 450 आ रहे हैं तो एग्जाम में 650 कैसे आए। कई बार क्या होता है कि जो टॉपिक हम लोग 11th में पढ़ते हैं, 11th के मतलब टॉपिक्स में पढ़ते हैं, वो टॉपिक में हमें ऐसा लगता है कि यार फुल एकदम ऐसा आ गया कि कुछ भी कर दे, लेकिन अगर उसका मेरे 80% भी याद रहता है नीट के एग्जाम तक तो हम क्वेश्चन बना ले जाते। मंजिल तो आप सबने तय कर रखी है कि IIT जेई या नीट में क्वालिफाई करना है, मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में, तो आपकी जो गोल है वो एकदम सेट है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट तक आप आखिरी मिनट तक हर कोशिश करते हो किसी तरह से मेरा काम हो जाए, किसी तरह से मैं वहां घूमने पहुंच जाऊं, या किसी तरह से ये काम मेरा हो जाए। तो जेई नीट में भी आपको यही माइंड सेट रखना है कि अपना गोल मत चेंज कर देना। और आप अपने आप को क्या समझते हैं? अगर आप समझते हैं कि भाई एक भी क्वेश्चन ऐसा धरती पे आज तक हुआ नहीं कि मैं 10वीं का एग्जाम में 90% स्कोर किया हूं, 95 किया हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे से एक भी क्वेश्चन ना। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बड़ी बात है। कई बच्चों ने क्वालिफाई किया विदाउट कोचिंग, ऑल्दो कोचिंग का बड़ा रोल होता है, वो कोच दे देता है, एवरेज बच्चे को भी उठा के वो टॉपर बना सकता है, कि कोचिंग नहीं मिली या कोटा नहीं गए या पैसे नहीं, तो गोल चेंज कर दिया तुमने डर के मारे। ये तो यार कायरो का काम, इस तरह तो जिंदगी में हर चीज से भाव। ठीक है, प्रेशर है, मानते हैं, मैं भी मानता हूं प्रेशर है, लेकिन
कभी ना कभी तो प्रेशर आएगा ही बीच में, है ना, जेई की तैयारी है, कभी तो प्रेशर आएगी, खासकर लास्ट में थोड़ा प्रेशर रहता है। जितनी धार आपको लगेगी, जितना प्रेशर आपके ऊपर आएगा, उतना ही आप उन प्रेशर से बाउंस बैक करोगे, उतना ही आप जिंदगी में अपनी विल पावर को डेवलप करोगे।